तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शिवम और आप लोग देख रहे हो अबली गेमर। तो गाइस आज हम लोग प्ले करने वाले एक हॉरर गेम जिसका नाम एंडलेस नाइटमेयर 2 है। तो जैसे ही मैंने प्ले स्टोर में इस गेम के रिव्यूज को देखा तो मुझे इस गेम के रिव्यूज काफी ज्यादा बढ़िया लगे और ये गेम मैंने तुरंत ही डाउनलोड कर दिया। तो मैंने डाउनलोड करते साथ सोचा क्यों ना इसको एक सीरीज के तौर पर ही चलाया जाए। तो वेलकम है आप लोगों का इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड में, जो की हॉरर गेम का एक सीरीज है। तो अगर आप लोगों को भूतों से डर लगता है तो अभी इस वीडियो को स्किप करके चल जाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर आपको भी लगता है कि आप डरते नहीं हो तो मैं गारंटी देता हूँ इस सीरीज की खत्म होने तक मैं आपको इस गेम से डरा के छोड़ूंगा। तो ध्यान से इस सीरीज को देखते रहें एंड इसका मजा लें। ओके, तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे खाली दो डोर है, एक डोर जिससे मैं आया हूँ और एक डोर जिसमें मुझे जाना है, बट वो डोर लॉक है। और जैसे मैं बस रिटर्न जाने के लिए लगता हूँ तो वो गेट भी पीछे चल जाता है जिस गेट से मैं आया था, एंड मैं फिर से स्क्रीन पीछे की तरफ घुमाता हूँ कि मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। बट यहाँ गाइस ये सीन काफी डरावना हो जाता है क्योंकि चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा एंड रेड कलर की लाइट जल रही थी। इसकी ग्राफिक्स हम लोग काफी बढ़िया कह सकते हैं, मगर ये देखने में उतना ही काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। और हाँ गाइस, ये गेम मैं रात को 12 बजे के आसपास खेल रहा था जब घर में कोई नहीं था एंड घर की सारी लाइट्स ऑफ करके खेल रहा था, और इस सिचुएशन में मेरी पूरी फट के बाहर आ रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गेम को खेलते रहूं या बंद कर दूं। और तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है एंड यहाँ पे थोड़ी व्हाइटिश आती है, थोड़ी लाइट्स आती है, तो मुझे ये देख के काफी अच्छा लगता है। तो मैं सोचता हूँ इस गेम को मैं कंटिन्यू ही करते रहूं। फिर ये गेम मुझे डायरेक्शन देते रहता है कि किस किस तरह से आपको बटन प्रेस करने हैं। डायरेक्शन लेने के बाद मैं इस लाश के पास जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलती है, जो मैं ना देखते हुए डायरेक्ट ड्रॉप करके उस लाश के पास चल जाता हूँ। वेट, यहाँ पे इसके हाथ में कुछ है, यहाँ पे इसके हाथ में एक नाइफ है, तो मैं इसको पहले बैग में घुसा लेता हूँ क्योंकि ये नाइफ हम लोग बाद में बहुत ही काम में आ सकती है। ये दरवाजा तो अपने आप ही ओपन हो गया। अच्छा, सामने एक और है, सामने एक है मॉन्स्टर की क्या बोलते हैं इसको, घोस्ट मॉन्स्टर मुझे नहीं पता, बट है सामने कुछ है। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्शन दिया गया बैठने का एंड डायरेक्शन दिया गया मुझे कैरेक्टर मेन्यू को चूज़ करने का, टैलेंट से टैलेंट गेन करने का ऑप्शन दिया गया मुझे। टैलेंट्स आ गई मेरे अंदर, ये टैलेंट मैंने सीख चुका है कैसे करना है इस टैलेंट को, ये भी यहाँ दिखा दिया गया है। अंदर से बस मारना है, ऐसे करके मारना है। तो इस पॉइंट के पास मुझे अपना पॉइंट बैठाना पड़ेगा, मैंने अपना पॉइंट बैठा दिया एंड जैसे ही मैं सामने जाता हूँ ये ऑप्शन मेरे सामने आ जाता है, मैं जैसे इसको साइलेंट किल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको खत्म करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ईआर रूम की मिल जाती है जो कि मेरा आगे हेल्प करेगी। एंड ये गेम अब मुझे बैक से डायरेक्शन देता है, टिप्स का डायरेक्शन देता है एंड मिनिमम डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन लेने के बाद मैं डायरेक्ट चल जाता हूँ ईआर रूम खोजने, क्योंकि मुझे अभी ईआर रूम मिली थी। तो ये तो एक की कार्ड के थ्रू ओपन होगा एंड मुझे यहाँ पे ईआर रूम का मैप मिल चुका था। तो जल्दी जल्दी मैं ईआर रूम बस खोज ही रहा होता हूँ तो मुझे इसकी लाश देखकर थोड़ी दया आ जाती है, बेचारे एक वार भी नहीं कर पाया, उसको तो मैंने साइलेंटली ही किल कर दिया। और यहाँ पे मैं जैसे ही निकला मुझे यहाँ पे ईआर रूम मिल गई थी। तो अब मैं चल दिया ईआर रूम की तरफ बिना कोई देरी करते हुए एंड यहाँ पे मैंने इसको टच किया तो मेरा बैग डायरेक्ट खुल गया एंड यूज किया तो ये डोर भी खुल गया। और डोर ओपन करते साथ मैंने सोचा कि अच्छे से इस रूम को चेक किया जाए, एक छोटे छोटे सामान को कुछ भी नहीं छूटना चाहिए क्योंकि एक छोटा से छोटा सामान भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रुको, यहाँ कौन है, यहाँ भी एक एनिमी है, यहाँ मॉन्स्टर शायद। तो ये सोया क्यों हुआ है ऐसे, अच्छा इसके हाथ में गन है, अच्छा ये गन मैं उठा लिया, मैंने अपने तरफ ले लिया। अच्छा गन लेते साथ ही इसको होश आ गया, अभी तो मैंने गन लिया ही है, मुझे तो गन चलाना भी नहीं आता, तब भी मैंने एक टू शॉट लगा के किया, बट मेरा इसमें प्रैक्टिस नहीं था तो मेरे इसमें काफ़ी ज़्यादा एमो वेस्ट हो गई एंड मैंने इसको चार गोली में फिनिश कर दिया। और रीलोड करके मैं चल गया लूट करने, तो मुझे यहाँ पे मिलता है दो एमो मिलता है, अच्छा हाँ एमो है तो वहाँ पे मुझे दो एमो मिल जाता है। और मैं फिर अच्छे से सर्च करने लगता हूँ कि आसपास में एक भी सामान ना छूटे। ओके, तो मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख लेता हूँ सब तरफ ताकि मुझे फिर से इस रूम में आना ना पड़े और मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड मैं यहाँ पे सब कुछ देख लेता हूँ एंड मैं यहाँ से निकलना समझदारी समझता हूँ और मैं बस यहाँ से निकल जाता हूँ किसी भी तरह से। एंड मुझे सामने एक की चेन दिख रही है जो कि बोल रहा है शूट करने से ओपन होगा, तो यहाँ पे मैं अपनी गन निकालता हूँ एंड उसको शूट करता हूँ ताकि ये खुल जाए, एम लगा के एकदम परफेक्ट एम लगा के ताकि मेरा गोली एमो वेस्ट ना हो। एंड फटाक से गन को रिलोड कर रखता हूँ ताकि आगे मेरे सामने कोई भी अगर एनिमी आया तो मैं उसको तुरंत ही शॉर्ट डेट कर सकूं। ओके, तो मैं अब यहाँ पे रूम में घुस चुका हूँ एंड मुझे घुसते साथ ही एक डॉल दिखा है और ये डॉल तो उठ के बैग में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको छोड़ के आगे की ओर बढ़ता हूँ एंड मुझे यहाँ पे कुछ दिखा है जो कि मैं क्लिक करता हूँ उठाने के लिए।
तो ये है एक स्टेयर की गार्ड, इसको मैंने अपने बैग के अंदर घुसा लिया है। एंड अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के इसीलिए चल रहा हूँ कि पीछे एक एनिमी है, उसको मुझे मारना पड़ेगा, एनिमी मॉन्स्टर जो भी बोला जाए। एंड पहले मैं देख लूंगा इस बॉक्स के अंदर क्या है, सामने वाले बॉक्स के अंदर। तो इस चीज के अंदर मुझे सप्लाई बॉक्स मिलती है, सप्लाई बॉक्स के अंदर 2 एलॉयज मिलती है। तो जल्दी से जल्दी इस एलॉय को मैं अपने बैग के अंदर भर लेता हूँ एंड उसका मूवमेंट देखता हूँ, एनिमी का क्या मूवमेंट है। एंड तो खोल के मैं आराम से बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो एनिमी मॉन्स्टर जो बोला जाए वो अपना जल्दी जल्दी बैक साइड दिखाए एंड मैं उसको पीछे जाके नाइफ से मार सकूं। ओके, वेट 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 वेट, थोड़ा वेट, मुझे लगता है मुझे एनिमी ने देख लिया है। अरे भाई, अब तो ये मुझे मार देगा शायद, शायद इसने मुझे देख लिया है। हाँ, इसने मुझे देख लिया, कंप्लीट देख लिया है। मैं जल्दी से गन निकाल लेता हूँ, शायद कुछ प्रॉफिट मिलेगा। गन में मेरी एमओ तो 8 है, बट वो मुझे मारने आ गया है। दूर हटो, जल्दी जल्दी मैं अपनी गन निकाल लेता हूँ एंड उसको फायर करने की ट्राई करता हूँ। मेडिकेट, हाँ मेडिकेट मुझे मारना पड़ेगा। जल्दी 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 मर जा भाई, जल्दी मर जा, जल्दी मर, जल्दी जल्दी मर, जल्दी मर। उसके मैं इसको शॉट मार के ख़त्म कर देता हूँ एंड अपनी गन रिलोड करके फिर से बढ़ता हूँ आगे की तरफ। एंड मुझे इस एनिमी की लूट बॉक्स में कुछ भी नहीं मिलता है, तो मैं अपनी फिर से चाकू पकड़ लेता हूँ मैं एंड मैं फिर से आगे बढ़ने लगता हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग कुछ मिलता है कि नहीं। अच्छा, कुछ आगे रखा हुआ है, कुछ ऊपर रखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ क्या रखा हुआ है। अच्छा, ये प्लस हमको 2 एमओ मिला है 2, और ये हमको नट्स मिले हैं, नट्स पार्ट्स मिले हैं, कुछ पार्ट्स मिले हैं, प्लस 4 पार्ट्स मिले हैं। एंड मुझे यहाँ पे कुछ, अच्छा खुल गया, ऐसे ही खुल गया, चलो तो बढ़िया है, खुल तो गया। अब देखते हैं पीछे की तरफ क्या है। अच्छा, मुझे फिर से स्टेयर केस की कार्ड में देना पड़ेगा इसमें। हाँ, स्टेयर की का जो मिला था यहाँ पे लाया की कार्ड, तो अब यहाँ पे की कार्ड यूज़ होगा। अब मैं स्टेयर में चढ़ता हूँ, 1F 1F, चलो इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, 1F। एंड मैं जैसे ऊपर चढ़ता हूँ, ओके 1F के बाद 2F आया, बट मैं 2F की तरफ ना जाते हुए सबसे टॉप फ्लोर में जाना बेटर समझता हूँ पहले ही। ओके 3F आया, और ये लॉक है, नहीं खुल रहा है, तो 2F भी शायद लॉक ही होगा। और वेट, 3F ये क्या है, जैसे मैं बढ़ता हूँ, ओ क्या हो रहा है ये भाई, यहाँ सही में घोस्ट है, सही भाई रियल घोस्ट लग रहा है भाई, रियल घोस्ट। ऊपर में भी 3F, नीचे भी 3F, और उसके नीचे भी 3F, भाई ये क्या हो रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, मेरी फट गई यार। आप लोग को ये सीन देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें। और अरे, ये तो 1F गेट भी लॉक हो गया है, मैं जाऊँगा किधर से, पीछे भी पूरा अंधेरा। अच्छा चलो खुल गया, अच्छा ये क्या आ गया, वो तो कुछ अलग सीन था ना। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये हॉरर गेम कैसा लगा आप लोग कमेंट डाउन ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट। और अगर आप लोग को भी ये गेम खेलना हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दें, मैं इसका लिंक आप लोग को कमेंट डाउन में भेज दूँगा।